गर्मी के मौसम में आज के समय वैसे बहुत सी वैरायटी की आइसक्रीम मिल जाएगी, लेकिन रबड़ी जैसा स्वाद आपको शायद ही चखने को मिले। मिठास से भरपूर रबड़ी अपने स्वाद से किसी को भी अपना दीवाना बना देती है। चूरू के गांव देपालसर के ऐसे ही एक रबड़ी व्यवसायी है सांवरमल सैनी, जिन्हें रबड़ी का ये व्यवसाय विरासत में मिला है और आज सैनी परिवार की चौथी पीढ़ी इस कारोबार को आगे बढ़ा रही है। देपालसर के सांवरमल सैनी बताते हैं कि उनका परिवार पिछले 60 वर्षों से रबड़ी बेच रहा है। उनके दादा और उनके पिता और वर्तमान में वे स्वयं और उनके बच्चे रबड़ी बेच रहे हैं। सैनी बताते हैं कि स्वाद और शुद्धता में उनकी रबड़ी का कोई मुकाबला नहीं और इसी के चलते आज भी उनका वर्षों पुराना कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है। वह हर रोज 10 से 15 किलो रबड़ी बनाते हैं और बेचते हैं। घर से रबड़ी तैयार कर वह सुबह जल्दी निकलते हैं और ट्रेन से रतनगढ़ जाते हैं, फिर वहां साइकिल से फेरी लगाकर बस स्टैंड और बाजार में रबड़ी बेचते हैं। ये हो गया 50-60 साल दादाजी पिताजी 30 साल से मैं ला गया। पहले अपनी मजदूरी 500-400 आराम से बढ़िया चीज बेचता, बढ़िया खावे, ग्राह खुश होवे। इतनी बनावा 5-4 किलो बना लिया, मजदूरी हो गया 500-400 बढ़िया। हाँ सुबह ट्रेन से आऊँ, शाम हो जाए साइकिल में रतनगढ़ में घूमा सगड़ा घूम के बाजार में बस स्टैंड पर सगड़ा बेचना। चूरू कलेक्ट्रेट में आज भाजपा कार्यकर्ताओं ने शहर में जगह जगह गंदा पानी जमा होने पर जिला कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपा। भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष बसंत शर्मा ने बताया कि शहर में बरसात आने के कारण सीवरेज योजना के चैम्बरों से सड़क पर गंदा पानी जमा हो जाता है, जिसके कारण आसपास के वार्डवासियों व बाजार में दुकानदारों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। बाजार में गंदे पानी के जमा हो जाने से व्यापार ठप हो जाता है, वार्डवासियों को गंदी बदबू को सहना पड़ता है। नगर परिषद द्वारा लगाई गई पानी निकालने की मोटर का पावर कम होने से पानी यहां से नहीं निकल पाता है। इस दौरान भाजपा ओबीसी के महामंत्री विष्णु सोनी, भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष सुरेश सारस्वत, दीनदयाल सैनी आदि मौजूद रहे। चूरू नगर परिषद की लापरवाही एक कर्मता लगातार देखने को मिल रही है। हम लोगों ने नगर परिषद प्रशासन और वहाँ के कमिश्नर को बार बार अवगत कराया कि बरसात का समय आ रहा है, जो चैम्बर्स हैं ड्रेनेज के, सीवरेज के, उनको साफ करवाए जाए, नालों की सफाई की जाए। नगर परिषद ने उसके एक महीने उपरांत में सफाई नहीं की है और आज ये स्थिति है। सुबह चौक है, जोरी सागर है और चाहे झारिया की मोरी वाली सड़कें हैं, सारी पानी से गंदगी से लबालब पड़ी है, चैम्बरों से पानी बाहर आ रहा है। इन सब समस्याओं के लेके आम व्यापारी, सुबह तो चित्र रहने वाला हर व्यक्ति, आम नागरिक वहाँ परेशान है। हम लोगों ने सुबह धरना दिया, प्रदर्शन किया, अब कलेक्टर साहब का नाम हम ज्ञापन देने के लिए यहाँ आए हैं और हमारी मांग है कि तुरंत प्रभाव से सीवरेज नालियों सफाई की जाए ताकि आम लोगों को इसकी सुविधाएं मिल सके, आम लोगों का आगमन बाधित नहीं हो, वहाँ से जा सके। वहीं इससे पूर्व भाजपा के कार्यकर्ताओं ने सुभाष चौक पर एकत्रित गंदे पानी के विरोध में प्रदर्शन किया। इस मौके पर अनीता जोशी, दिनेश लाटा, पूर्व पार्षद भवरू खां आदि मौजूद रहे। धरना प्रदर्शन न करे तो क्या करे, प्रशासन तो यहाँ सोया हुआ है, क्या कर रहे हैं कलेक्टर साहब यहाँ बैठे हुए, क्या कर रही है पहली सैनी पारक बालिका विद्यालय में? विद्यालय की ओर से कोई कुछ निकल नहीं सकता, पुराना बस स्टैंड, सुभाष चौक, मुख्य जहाँ जहाँ पॉइंट है वहाँ वहाँ पानी की ऐसी गंदगी भरी हुई है, तो कोई क्या करेगा? और यही चेतावनी हम दे रहे हैं कि आज अगर कलेक्टर साहब यहाँ नहीं आएंगे तो कल से हम यहीं पर रहेंगे और यहाँ अपने खाट व्यवस्था यहीं करेंगे। देखते हैं कलेक्टर साहब यहाँ सफाई व्यवस्था सुधारते हैं या हम यहाँ मर मिटते हैं। रतनगढ़ के वार्ड संख्या 40-41 स्थित वाल्मीकि बस्ती में समस्याओं का अंबार है। 450 घरों की बस्ती विकास से दूर है। आज विधायक अभिनेश महर्षि ने बस्ती का दौरा किया और बस्ती की हालत देखकर खेद किया, जिस पर विधायक ने L&T कंपनी के अधिकारियों को तुरंत प्रभाव से निर्माण कार्य शुरू करने के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने कहा कि वाल्मीकि बस्ती में पिछले 2 वर्षों से L&T कार्य के चलते मुख्य मार्ग पर बड़े बड़े गड्ढे बने हुए हैं, जिसके कारण मोहल्ले वासियों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पैदल राहगीर को भी सड़क पर फैले कीचड़ का सामना करना पड़ता है तथा वाहन चालकों के लिए गड्ढे हादसे का कारण बनते हैं।
साथ ही खोदे गए गड्ढों की वजह से मिट्टी उड़ रही है और लोग दमा, अस्थमा व सांस की परेशानियां झेल रहे हैं। इस मौके पर वेद प्रकाश पवार, श्रवण सूडा, हेमंत पवार आदि उपस्थित रहे। वार्ड नंबर 41 और 40 में वाल्मीकि मोहल्ले और इससे जुड़े हुए स्थानों के ऊपर सड़कों की हालत LNT ने जब सीवरेज डाली तो उसके बाद में तुरंत प्रभाव से इनको सड़कों का मरम्मत करनी चाहिए थी। पूरे शहर के अंदर LNT ने जिस तरह से वातावरण खराब कर रखा है, जिस तरह से LNT के अधिकारियों ने, कर्मचारियों ने खुले मेन होल छोड़ करके जिस तरह से ये काम कर रहे हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। मैंने आज उच्चाधिकारियों को निर्देश दिए हैं और संबंधित अधिकारी यहाँ पर आए हैं। इन्होंने आश्वासन दिया है कि हम इस काम को जल्दी से जल्दी ठीक करके बताएंगे और ये सड़कें जल्दी से जल्दी पूरी कर देंगे। मैं आपको ये निवेदन कर रहा हूँ कि पूरे शहर में जितनी भी सड़कें हैं जो आपने तोड़ी हैं, आप तुरंत प्रभाव से ये बरसात का बहाना छोड़ दो और ये तुरंत प्रभाव से इनको ठीक करो, जिससे हम आम नागरिकों को ये परेशानी होने से बच जाए। कब कर दोगे ये? कल कर दोगे और इसको आज कर दोगे जी? अभी इसको तो आज कर दोगे, अभी हो जाएगा। और बाकी कल से शुरू करो काम, इसकी सफाई आज सफाई शुरू कराओ। भारतीय खेल प्राधिकरण, युवा मामलात एवं खेल मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा यूपी के लखनऊ में आयोजित खेलो इंडिया विश्वविद्यालय गेम्स में कांस्य पदक प्राप्त करने पर बालिका महाविद्यालय चूरू की छात्रा निकिता लांबा का आज रेलवे स्टेशन पर महाविद्यालय परिवार की ओर से माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। इस दौरान महाविद्यालय के सचिव भागीरथ शर्मा एवं प्राचार्य आशा कोठारी ने निकिता का तिलक, माल्यार्पण एवं मिठाई खिलाकर स्वागत किया। खिलाड़ी निकिता ने 20 किलोमीटर पैदल चाल में महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करते हुए कांस्य पदक प्राप्त कर महाविद्यालय का नाम रोशन किया। यह पहला अवसर है जब चूरू में महिला वर्ग में किसी छात्रा ने खेलो इंडिया विश्वविद्यालय गेम्स में पदक प्राप्त किया है। इस अवसर पर महाविद्यालय के डॉक्टर मंसूर अली खान, प्रभारी खेलकूद व्याख्याता इंद्रचंद, अखिलेश कुमार बाटू आदि उपस्थित रहे। ये बहुत गौरव का पल है, ऐतिहासिक पल है। चूरू बालिका महाविद्यालय की छात्रा, होनहार छात्रा निकिता लांबा, जो हमारे यहाँ की BA की स्टूडेंट रही है और हालिया MA पूर्वार्ध ज्योग्राफी की स्टूडेंट है, यह एथलेटिक्स, मूलतः एथलेटिक्स है और इसने हमें आज हमें बहुत ही गौरवान्वित किया है। यह मैं सभी को बताना चाहूँगी कि ये ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स जो कि फरवरी में चेन्नई में संपन्न हुए थे, उस मीट में इसने कांस्य पदक प्राप्त किया। वेस्टर्न जोन को रिप्रेजेंट करते हुए इसने कांस्य पदक प्राप्त किया और इसके पश्चात इसका चयन उन 8 भाग्यशाली सौभाग्यशाली छात्राओं में हुआ जो जिन्होंने ऑल इंडिया लेवल पे अपने गेम्स को खेला। ये ऑल इंडिया गेम्स जिसका नाम है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, इसका प्रतिनिधित्व करते हुए इसने उन 8 चयनित छात्राओं में से तीसरे स्थान पे अपना स्थान दर्ज करवाया है। कांस्य पदक की ये विजेता बनी है जो हमारी संस्था के लिए, हमारे शहर के लिए, हमारे पूरे जिले के लिए, चूरू जिले के लिए ऐतिहासिक पल है। कुछ क्रियाएं अपने आप में बहुत ही पूर्ण होती हैं। ये एक ऐसी क्रिया है जो कि आपको हाथों को ऊपर खींचती है तो यहाँ की पूरी मसल्स को खींचेगी। जब पैर को हम विपरीत दिशा में एड़ी यहाँ पर लगाते हैं, हिप्स पे लगाते हैं, तो ये पूरा हिस्सा खींचता है, ऐसे ही विपरीत दिशा में ये। तो ये आगे के सारे ऑर्गन्स हमारे खींच कर ब्लड सर्कुलेशन मिलेगा और ये ऑर्गन्स को जगह मिलेगी तिरछी। तो ये जो जगह मिलेगी इससे इसके आसपास के फैट में इसके गैस भरी हुई है, जो वायु भरी हुई है, उसको कम करने में लाभकारी रहेगा। पूर्ण क्रिया है ये अपने आप में। एक क्रिया को ही अगर आप 10 बार से शुरू करें और 50 बार तक ले जाएं तो विशेष इसका लाभ देखने में आया है। और आप ये ध्यान रखें, गंभीर रोगों में, ऐसी स्थितियां जैसे BP है, हार्ट है, ऐसी चीजों में आपको ऐसी क्रियाओं से बचना चाहिए, डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। रतनगढ़ के वाल्मीकि समाज के राजेंद्र जाजोट का कुछ वर्ष पूर्व नगर पालिका में सफाई कर्मचारी के रूप में चयन हुआ था।
लेकिन उस समय राजेंद्र को नगर पालिका में नियुक्ति नहीं दी गई थी, जिस पर पीड़ित राजेंद्र ने जोधपुर हाईकोर्ट में रिट पिटीशन दायर की। सभी साक्ष्य और अन्य जानकारियों के चलते न्यायालय ने राजेंद्र की याचिका को सही ठहराते हुए नगर पालिका में सफाई कर्मचारी के रूप में कार्य करने के नियुक्ति आदेश जारी किए हैं। इसको लेकर वार्ड संख्या 40 में बुधवार की शाम वाल्मीकि मंदिर के पास समाज के लोगों ने राजेंद्र को न्याय दिलवाने में मदद करने पर विधायक अभिनेश महर्षि व समाज सेवी वेद प्रकाश पंवार का साफा में माला पहनाकर सम्मान किया। इस अवसर पर बनवारी लाल पंवार, कानाराम पंवार, रमेश जेदिया आदि उपस्थित रहे। राजेंद्र कुमार का सिलेक्शन हुआ हुआ था, लेकिन उसको नियुक्ति नहीं दी गई थी और बार बार आग्रह करने के बावजूद भी नियुक्ति नहीं जाने पर मजबूर होकर के राजस्थान हाईकोर्ट की शरण लेनी पड़ी। राजस्थान हाईकोर्ट ने कई लोगों को जो इस तरह की नियुक्तियों से वंचित थे उसमें पहले भी आदेश दिए हैं। हमारे वेद प्रकाश जी जो पवार हैं, ये रिट पिटीशन में इन अभ्यर्थियों की मदद करते हैं, ये समाज की सेवा करते हैं। राजेंद्र मेरे से बहुत लंबे समय से भी जुड़ा हुआ था। मेरे मन में एक थोड़ी सी कुंठा इस बात की, ग्लानी इस बात की, और मन में एक दुख इस बात का जरूर था कि ये राजेंद्र कहीं न कहीं जो वंचित रहा है उसके अंदर इसको इसके अधिकारों से वंचित होने का जो खामियाजा भुगतना पड़ा है उसमें हम सब लोगों को मिलकर के काम करना चाहिए। मेरी वेद प्रकाश जी से भी बात हुई, हाईकोर्ट के एडवोकेट साहब से भी बात की, और जो अधिकार इसका है वो अधिकार इसको मिलना चाहिए था। आज माननीय राजस्थान हाईकोर्ट ने इसको नियुक्ति के आदेश दिए हैं। मैं अब आग्रह करता हूँ माननीय ईओ साहब से, नगर पालिका के जो भी संबंधित अधिकारी हैं उन लोगों से, कि इसके अधिकारों को इतने लंबे समय तक वंचित रखा गया, अब इसको और वंचित नहीं रखा जाए, तुरंत प्रभाव से इसको नियुक्ति दे करके इसके बाल बच्चों के पोषण के लिए जो सरकार ने नौकरी दी थी उस नौकरी को तुरंत प्रभाव से चालू करके इसके बच्चों के भविष्य का भी अच्छा इंतजाम हो सके, इस बात की सुव्यवस्था करें। मैं सभी समाज के लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ, और इस बात का विश्वास दिलाता हूँ कि जो भी कोई समाज हित के अंदर ये मुझे कार्य बताएंगे उसके लिए मैं मेरे पैरों में चप्पल नहीं डालूंगा, दौड़ा चलाऊंगा। इन्होंने मुझे सेवक बनाया है, इसलिए रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र का प्रथम सेवक होने के नाते मेरी जिम्मेदारी बनती है कि प्रत्येक व्यक्ति के मैं काम आ सकूं। भाई वेद प्रकाश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप समाज के लिए कार्य करते रहे। हमारे आदरणीय गुरु जी खड़े हैं, सोडा साहब खड़े हैं, श्रवण जी, बाकी सब भी लोग खड़े हैं। मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ इस मुबारक मौके पर। आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया, मेरा सम्मान किया, और मैं माता बहनें खड़ी हैं, आप लोगों के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ता रहूँगा, किसी तरह की कोई कमी नहीं आने दूंगा। मुझे तकलीफ है, जब मैं यहाँ मोहल्ले में आया, देखा LNT ने पिछले लंबे समय से यहाँ पर ये सड़कें खोद करके डाल दी गई हैं। अब शहर के अंदर जगह जगह जो ये हालात कर रखे हैं सड़कों के, इसके बारे में भी नगर पालिका को संज्ञान लेना चाहिए था, लेकिन नगर पालिका संज्ञान नहीं ले पाई। कोई बात नहीं, मैंने आज LNT के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि आज टीम भेज करके यहाँ पर इसका मौका निरीक्षण करके तुरंत प्रभाव से प्लानिंग करके और इस सड़क को तुरंत चालू करवाएं, और सड़क को चालू करवा करके इसको पूरा कराएं, बाकी काम भी होने चाहिए। मैं आप सब लोगों का हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि मेरा यहाँ पर मान सम्मान किया, आप सब लोगों ने आशीर्वाद दिया, इसके लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। सुजानगढ़ ब्लॉक की जोगलिया ग्राम पंचायत में आयोजित कैंप में आज काश्तकार मीरा कंवर व उच्छन कंवर के वारिसों ने शिविर प्रभारी उपखंड अधिकारी मूलचंद लुनिया को अवगत करवाया कि ग्राम जोगलिया की रोही में दर्ज खेतों में खाता बंटवारा करवाना चाहते हैं, ताकि भविष्य में किसी प्रकार का पारिवारिक रास्ता सीमा ज्ञान संबंधी विवाद ना रहे। इस पर SDM लुनिया ने तहसीलदार प्रवीण सैनी को निर्देशित किया कि राजस्व अभिलेख अनुसार कार्रवाई करके विभाजन प्रस्ताव तैयार करें। तहसीलदार सैनी ने कानूनगो को तत्काल नियमानुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु निर्देशित कर खाता विभाजन की प्रक्रिया पूर्ण की और प्रार्थियों को नवीन जमाबंदी की प्रतिलिपि उपलब्ध करवाई। राजस्थान राज्य भारत स्काउट गाइड के तत्वावधान में चूरू के मैरीगोल्ड विद्यालय में चल रहे विकास कौशल अभिरुचि प्रशिक्षण में आज CEO स्काउट महिपाल सिंह तंवर ने शिविरार्थियों की संख्या बढ़ाने एवं प्रत्येक संभागी को ज्यादा से ज्यादा सीखने व सिखाने पर बल दिया। इस अवसर पर प्रशिक्षण दक्ष प्रशिक्षक सत्यनारायण स्वामी, ओम प्रकाश मेहरा, अनिता बाहेत आदि उपस्थित रहे। रतनगढ़ में एक विशेष समुदाय ने हिंदुओं की आस्था के प्रति गोगा मेड़ी पर कुछ दिनों से अतिक्रमण कर रखा है।
हाईकोर्ट के आदेश मिलने के बावजूद जिला प्रशासन द्वारा राजनीतिक दबाव के कारण कानूनी कार्रवाई नहीं की जा रही है, जिसके संबंध में अब रामचंद्र सैनी 5 तारीख से आमरण अनशन करेंगे। चूरू सदर थाने की पुलिस ने नेशनल हाईवे 52 स्थित रामसरा चौराहे पर बुधवार रात NDPS मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सदर थाने के थानाधिकारी रजी राव ने बताया कि नाकाबंदी के दौरान पंजाब के संगरूर जिले के 2 व्यक्ति मध्य प्रदेश के जावरा तहसील से पंजाब की तरफ 70 किलो डोडा पोस्त का चूरा ट्रक में लेकर जा रहे थे। सदर पुलिस ने मध्य रात्रि लगभग 1 बजे के आसपास रामसरा चौराहे पर ट्रक को रुकवाया। ट्रक की जांच की गई तो ट्रक में से 70 किलो डोडा पोस्त का चूरा बरामद किया गया। मौके पर ही दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। इस दौरान सदर थाने के कांस्टेबल नवीन धर्मेंद्र सरजीत व महेंद्र मौजूद रहे। NH 52 पर रामसरा चौराहे पर मध्य रात्रि को दौरान नाकाबंदी रणजीत सिंह और बलदेव सिंह को 70 किलो डोडा पोस्त से पकड़ गिरफ्तार किया गया, जो जावरा मध्य प्रदेश से लाना बताया गया और पंजाब में ले जा। रतनगढ़ तहसील के गांव चैनपुरा में कृषि कार्य करते समय किसान की अचानक तबीयत बिगड़ गई। परिजन उसे रतनगढ़ जिला अस्पताल लेकर आए, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना पर पुलिस जिला अस्पताल पहुंची तथा घटना की जानकारी ली। घटना को लेकर मृतक के रिश्ते में भाई ने पुलिस में मरक दर्ज करवाई है। पुलिस ने बताया कि भागीरथ पुत्र गोविंद राम जाट निवासी चैनपुरा ने रिपोर्ट में लिखा है कि उसके ताऊ सही राम का 42 वर्षीय बेटा सावनमल खेत में काम कर रहा था कि अचानक उसकी तबीयत खराब हो गई। उसे अस्पताल लेकर आए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। डॉक्टरों के अनुसार प्रथम दृष्टया मौत का कारण हृदयाघात बताया गया है। नागौर जिले के भादवा का 25 वर्षीय युवक रतनगढ़ में अपने दोस्त से मिलने के लिए आया, लेकिन 3 लोगों ने उसका अपहरण कर लिया। अपहरण के बाद आरोपियों ने उसकी पिटाई की। घटना का पता चलने पर पुलिस ने आरोपियों की गाड़ी का पीछा कर युवक को छुड़ाया। इस संबंध में गांव भादवा निवासी नरसाराम जाट ने पुलिस में मामला दर्ज करवाया है। पुलिस ने बताया कि नरसाराम द्वारा दी गई रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि करीब 6 माह पूर्व मैणासर निवासी एक युवक को उसने 10,000 रुपये उधार दिए थे। वह अपने दोस्त अशोक से मिलने रतनगढ़ आया था। अशोक से मिलने के बाद वह रेलवे स्टेशन की तरफ जा रहा था कि एक कैंपर गाड़ी वहां पर उसके आगे आकर रुकी, जिसमें मैणासर निवासी युवक के साथ अन्य 2 युवक आए और जबरन अपहरण कर उसे गाड़ी में डाल लिया। युवक ने शोर मचाया तो मौके पर ही लोगों की भीड़ लग गई। प्रकरण के बाद पुलिस ने कैंपर गाड़ी का पीछा कर युवक को छुड़वाया और 2 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। वहीं एक मौके से फरार हो गया। राजेंद्र सिंह जी, SI को जरिए टेलीफोन इतला मिली, रेलवे स्टेशन के पास किसी कैंपर गाड़ी में 3 लड़के एक लड़के को मारपीट करके उठा के ले गए हैं, जिस पर राजेंद्र सिंह जी SI दौरान अगस्त ही उनका पीछा करके और उनको मैणासर के पास पकड़ा। एक लड़का जो गाड़ी चला रहा था वो भागने में सफल हो गया। 2 लड़कों को और अपरता को पकड़ के थाने लेके मुकदमा दर्ज किया गया है। दोनों लड़कों को गिरफ्तार कर लिया गया है। तीसरे की तलाश जारी है। 2 व्यक्तियों को उलाहना देना एक किसान को भारी पड़ गया तथा दोनों ने मिलकर उसकी पिटाई कर दी। इस आशय का मुकदमा पीड़ित ने आज रतनगढ़ पुलिस थाने में दर्ज करवाया है। पुलिस ने बताया कि रतनगढ़ तहसील के गांव चैनपुरा निवासी पवन कुमार माली ने रिपोर्ट दी। उसमें उल्लेख किया कि वह खेत में काम कर रहा था, इस दौरान 2 व्यक्ति उसके खेत से मवेशी लेकर जा रहे थे। जब इस बात की दोनों को उलाहना दी तो इन दोनों ने मिलकर इसकी पिटाई कर दी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जाँच प्रारंभ कर दी है।